नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी के लिए यही है कि बाजार एक बार फिर से ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। देखिए, वॉलेटिलिटी मार्केट में पूरी है आजकल। आप देखते हो, एक बार हरे निशान में हाई लगता है, फिर एक बार लाल निशान में आता है, ऊपर से करेक्शन होती है एंड सेकेंड हाफ में दोबारा ऊपर की तरफ चल देता है बाजार। ब्रॉडर मार्केट में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप सब आउट परफॉर्मेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो बताना चाहूंगा। अगर आप बात करें चढ़ने वाले शेयर्स की, हरे निशान वाले शेयर्स की, तो एनएससी पे लगभग 1480 यानी 1480 शेयर्स से ज्यादा ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं इस समय। और नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए तो 532 शेयर्स नेगेटिवली ट्रेड कर रहे हैं आपके लिए इस समय। यानी कि रेशियो इतना तंगड़ा है, एक शेयर जहां गिर रहा है उसके सामने ऑलमोस्ट तीन शेयर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। बात की जाए अगर आज के लीडर्स की, तो एक बार फिर लीड कर रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप, 0.25% 0.25% दोनों ही ऊपर दिख रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ फ्लैटिशनेस है, हल्की पॉजिटिविटी है 0.2% के समथिंग की, जहां पे निफ्टी 35 पॉइंट ऊपर है तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के करीब ऊपर है। निफ्टी की आज के सेशन में एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी हो ही चुकी है, आप सभी को पता है। वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की वेंसडे को होती है और निफ्टी की एज यूजल थर्सडे को ही होती है। स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो सेंट्रल बैंक 11.5% भाग रहा है, एनबीसीसी 8% भाग रहा है, एनएचपीसी 7.5% ऊपर है और अवंती फीड्स में लगभग 7% की तेजी है। एनबीसीसी को मैंने कल रात अपनी वीडियो में शेयर भी कहा था, जहां पे आपके साथ मैंने शेयर किया कि कंपनी को एक अवार्ड मिला है जिसके चल एक 180 करोड़ रुपए का जो इनका काम था उसके लिए इन्हें एक अवार्ड मिलता हुआ दिखा है। सॉरी 1.80 बिलियन करोड़ रुपीस, यानी कि 180 करोड़ रुपीस के लिए कंपनी को एक अवार्ड मिलता हुआ दिखा है। ये कंपनी ने अनाउंस करा था कल के सेशन में, जो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी। और स्टॉक आज 7.5% ऊपर है। आईओबी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका, वेल्स पनकॉप, बीबीटीसी, बीएलएस सब तेजी में दिख रहे हैं। आज दो थीम बड़ी तेजी में थी, एक सुगर सेक्टर की थीम आपने देखा शानदार मूव देता हुआ दिखा, और एक केमिकल स्टॉक्स में दोबारा से तेजी बनने लगी है। केमिकल्स की पहले मैं बात करना चाहूंगा। सुगर में तो आपके साथ मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ही बनाई है, लगभग 2:30 बजे करीब आपके साथ अपलोड करी थी। अगर केमिकल स्टॉक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज, कल क्या शानदार मूव आया, बड़ी तेजी आई। आज स्टॉक फ्लैट टू नेगेटिव है, बट मूव बड़े आ रहे हैं। परसों गिरा और कल पूरा का पूरा रिकवर हो गया, बड़ी तेजी में आ गया, अभी 522 पे है। बात करें अगर SRF के बारे में, तो यहां अगर आप देखें तो यहां भी फ्लैटिशनेस है, कुछ खास मूव नहीं आ रहा है। बट इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो हाई ऊपर 2415, 2375 और टेक्निकल चार्ट ऐसा दर्शा रहा है कि कुछ करने के लिए तैयार है। और केमिकल स्टॉक्स के लिए खबरें भी अच्छी आ रही हैं, अभी इनके केमिकल के दाम ऊपर जाने लगे। तो मुझे लग रहा है अगला जो सेक्टर रोटेशन आ सकता है अब वो केमिकल सेक्टर ही होगा। और इसके ऊपर इस वीकेंड पे मैं पर्टिकुलर एक पूरी वीडियो लाऊंगा, जहां पे केमिकल के दाम बढ़ रहे हैं कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट हो सकता है, कहां पे आपको फोकस करना है, इसके बारे में सैटरडे या संडे को एक वीडियो आपके लिए इस पे आएगी। सुगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहां तो भैया आंख बंद करके इस समय देखोगे तो सब 5 से 20% आपको ऊपर दे रहे हैं। कोई भी पूछे कौन सा शेयर आज चला है, क्या तो सुगर शेयर 5 से 15% की तेजी दिख रही है आपको हर जगह, तो बहुत शानदार तेजी बनी है। अब ऐसे में निवेशक क्या करें क्या ना करें इसको समझना चाहिए। देखिए, व्यू अभी भी स्टिल क्लियर है कि भैया ऊपर जा रहा है, जाने दो, ट्रेल करते चलो, जल्दबाजी मत करना बेचने की। फ्रेश कैपिटल लगाना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क है। मेरे को पता है इस बात को लेकर बहुत से समय ट्रोल भी कर सकते हैं कि कोई रिस्क नहीं है, बाजार ऊपर ही जाएगा। ये लगता है, जब ऊपर जाता है लगता है, जब नीचे आता है पता नहीं चलता। परसों गिरावट हुई थी, किसी को मौका दिया नहीं दिया, किस हिसाब से टूटा बाजार। तो यहां आप जो फ्रेश कैपिटल, अब इस समय ना बाजार में बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, आपने देखा अकाउंट ओपनिंग की बात किया तो अगस्त में हाईएस्ट एवर अकाउंट ओपनिंग हुई है। तो जो लोग नए आ रहे हैं बाजार में उनका कैपिटल नया लग रहा है, तो वो रिस्क ज्यादा है। आपको समय लगेगा, पैसा तो आपका भी बनेगा, मार्केट तो ऊपर ही है, लेकिन इतना पैसा लगाना कि अगर कोई करेक्शन होती है तो आप एवरेज कर पाओ। एवरेजिंग का पैसा हमेशा बचा के रखना अपने पास इस समय इस मार्केट में, ये जरूर याद रखना। खबरों वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो एनटीपीसी की तरफ से अनाउंसमेंट आई है फॉर द कंपनी के टोटल कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी फॉर द 4000 मेगावाट कैपेसिटी शैल बी 1080 मिलियन यूनिट फॉर पावर। ये एक खबर आई है जी एंटरटेनमेंट ओआईएल के लिए कुछ खबर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज ₹8000 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन 2G एथेनॉल अलोन आउट ऑफ द ₹2500 करोड़ इन्वेस्टमेंट।
तो 2500 करोड़ इन्वेस्टमेंट के अलावा लगभग 2G एथेनॉल के लिए 8000 करोड़ का निवेश कंपनी खर्च करने वाली है, तो ये एक खबर आते हुए दिखी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आज के सेशन में स्टॉक्स फुल एक्शन में थे तेजी की साइड, तो आपको मैं यही कहूंगा स्टिल निवेशित रहिए और फ्रेश कैपिटल थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा। होप आपको पूरी वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।